हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले जब डायपोल वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में पी आना चाहिए, डायपोल मोमेंट पी, कि हमें जो आंसर चाहिए वो पी के टर्म्स में चाहिए। दूसरी बात, पी इज इक्वल टू 2a³, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए। जब आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आना चालू होगा तो डायग्राम समझ में आना चालू होंगे कि हमने ये वाला डायग्राम क्यों बनाया। जब हम डायपोल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में सेंटर ओ रहेगा, ओ से एक चार्ज का डिस्टेंस ए, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस भी ए, डायग्राम भी कोई बात है कि पता करना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये वाला डेरिवेशन चाहिए, ये वाला डायग्राम चाहिए। इन चीजों को समझने की आदत डालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम वी फाइंड कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। पॉइंट कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं हमारे पास नॉर्मली, एक होता है एक्सियल लाइन, एक होता है इक्विटोरियल लाइन। तो अभी ना एक्सियल वर्ड यूज कर रहे हैं ना इक्विटोरियल वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी क्या वर्ड यूज किया हम लोगों ने? एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चाहिए, और काय के कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो हम पी के टर्म्स में आंसर देंगे। जब पी आता है तो 2aq आता है, 2aq आता है तो ए वर्ड चाहिए, ए मतलब सेंटर से एक चार्ज दूसरा चार्ज। सेकेंड, जब डायपोल की बात आएगी तो एक चार्ज माइनस क्यू होगा और एक चार्ज प्लस क्यू होगा, कंपल्सरी है, तभी तो डायपोल की बात आएगी, नहीं तो फिर पता चला अगर आपने दोनों सेम चार्जेस ले लिए तो डायपोल हो गई। तो डायपोल है तो एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू लीजिए, सेंटर हो ए ए। अब हमें जहाँ पे आंसर ढूंढना है वो है पॉइंट पी। तो हमने ए से एक लाइन पी तक खींच दी, बी से एक लाइन पी तक, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब एक सेंटर से हम लोग लाइन लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, सेंटर से ज्वाइन करते हुए यहाँ से एक राइट ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया ओ एम ए, और यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ओ एन बी। यहाँ पर बीच में 90 डिग्री दोनों एंगल्स हम लोगों ने लिया है थीटा, और ये जो डिस्टेंस ओ से लेके पी तक का जा रहा है दैट इज टेकन एज स्मॉल आर। यहाँ तक पता चलता है। अब हम लोग चालू करेंगे द पोटेंशियल स्टेटमेंट, आप लोगों को लिखना है, फिर भी एक बार बता देते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, पहले हम लोग किस लिए ले रहे हैं? माइनस क्यू के लिए। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4πε₀, q की जगह माइनस क्यू, और अपॉन ये वाला पार्ट हमारे पास में है पी ए। तो v1 इज इक्वल टू 1/4πε₀ माइनस क्यू अपॉन पी ए। सिमिलरली हम लोग लेंगे कि भाई पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, पूरा स्टेटमेंट। उसके बाद v2 इज इक्वल टू 1/4πε₀, यहाँ पे क्यू प्लस क्यू देना है, और प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस दैट इज पी बी, यहाँ पर लिखा पी बी। राइट, नाउ टोटल पोटेंशियल जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है यहाँ। नाउ टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू v1 + v2, v1 की जगह 1/4πε₀ माइनस साइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू अपॉन पी ए प्लस ये वाला 1/4πε₀ क्यू अपॉन पी बी, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखिए, बराबर हमें नजर आए। उसके बाद में वी इज इक्वल टू जो कॉमन निकल रहा है वो निकालिए 1/4πε₀, उसके बाद में क्यू भी बाहर निकल रहा है, अंदर बच रहा है माइनस 1/PA प्लस 1/PB। तो एक माइनस एक प्लस है, अच्छा दिखाने के लिए पहले पी बी को आगे ले लो और पी ए को पीछे लो, थोड़ा प्रॉपर सिस्टमैटिक दिखता है। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε₀ 1/PB माइनस 1/PA। नेक्स्ट, अब क्या ढूंढना है? डेफिनेटली पीबी और पीए की वैल्यू ढूंढनी है। तो पीबी और पीए कहां पर दिख रहा है? ये वाला पीए, ये वाला पीबी। पीए और पीबी की वैल्यू के लिए हम लोग पहले चालू करेंगे कि भाई थीटा ढूंढने, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम लोग लेंगे इन राइट ट्राइंगल, जो डायग्राम चाहिएगा यहां से हम लोग करेंगे, दो राइट ट्राइंगल्स हम लोग
जा रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल पहले हम लोग लेंगे ए एम ओ, इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ एम अपॉन ओ ए, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। ओ ए की वैल्यू हमारे पास में है स्मॉल ए, तो ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे दूसरे वाला लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, दूसरा वाला राइट ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा दिख रहा है हमें बी एन ओ, ओ एन बी, इट इज ट्रायंगल बी एन ओ, अगेन सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू इसमें कॉस थीटा ओ एन अपॉन ओ बी, ओ एन अपॉन ओ बी, ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू हमारे पास है ए, इट इज ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन, ये तो कौन आ गया ओ एन और ओ एन, हमारे पास तो ये आ गया ओ एम और ओ एन। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था पी ए और पी बी, ये तो आया ही, इसके लिए अब हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस द डायपोल इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस आर, ये जो डायपोल है ये छोटा दिख रहा है, तो वो जो पी यानी ये जो आर वाला डिस्टेंस हमारा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे सिंस डायपोल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू डिस्टेंस स्मॉल आर, है ना ये वाला आर, सो क्या लेना पड़ेगा ओ एम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सॉरी ओ एम ने, सो डैट पूरा कौन दिख रहा है पी ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम, ये वाला पी ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम पता चलेगा, एंड पी बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एन, क्या ले रहे हैं हम लोग कि भाई ये वाला जो डायपोल का डिस्टेंस है कम है एज कंपेयर टू ये वाला जो डिस्टेंस है आर, तो हम लोगों ने इतने इतने डिस्टेंस को निगलेक्ट मार दिया, हमने बोला पी ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम एंड पी बी या पी बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम, फाइन। अब हमें वैल्यू ढूंढनी है किसकी, पी ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम, अभी ये बाकी है ना, इसमें वैल्यू पुट अप करना है हमें, इसलिए मैंने ये रब नहीं करा है। हमने बोला पी ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एम, अब पी एम कितना दिख रहा है, ये पूरा पी एम, पी एम इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी टोटल हमारे पास है आर और ओ एम हम लोगों ने ढूंढा है, ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इट इज ए कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास पी ए की वैल्यू। ऐसे पी बी की वैल्यू लेंगे, पी बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एन, पी बी इज इक्वल टू पी एन, अब पी एन कितना दिख रहा है, पी एन इज ओ पी माइनस ओ एन, ये ओ पी माइनस ओ एन, बिना डायग्राम के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, अगर आपका डायग्राम करेक्ट नहीं है तो आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पाए। ओ पी, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारे पास है आर, और ओ एन, ओ एन हमने यहाँ फाइंड किया है इट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक। ये जिस इक्वेशन में हमें पुट अप करना था, अब चाहो वहीं से फर्स्ट ले लो, इस वाले को सेकंड ले लो, इस वाले को थर्ड ले लो, क्योंकि हम बहुत आगे तक पहुंच गए। अब लिखिए नाउ पुट टू एंड थ्री इन वन, ठीक, वन में जब हम पुट अप करेंगे वी इज
इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q ब्रैकेट में 1 अपॉन pb, pb इज r माइनस a cos थीटा, उसके बाद माइनस 1 अपॉन pa, pa इज r प्लस a cos थीटा। ओके, ये पूरा खत्म कर दें, इन सब की कहानी खत्म हो गई, इन सब का काम खत्म। आगे अब सिर्फ सॉल्व करना बचा है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे एलसीएम r माइनस a cos थीटा इनटू r प्लस a cos थीटा, ऊपर r प्लस a cos थीटा ब्रैकेट में माइनस इधर r माइनस a cos थीटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे a प्लस b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा, r और माइनस r कट, हमारे पास बचा a cos थीटा 2a cos थीटा, v इज इक्वल टू q, ये वाला हम ऐड करेंगे, इट इज 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एज इट इज रखिए। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका, क्या आ चुका, हमें तो चाहिए था 2a क्यू, p को हमें यहां पर डालना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इट इज v इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन, यहां तो है 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर हमारे पास बचा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार देखते हैं वापस, माइनस q प्लस q दो चार्जेस, सेंटर से डिस्टेंस a, इधर भी सेंटर से डिस्टेंस a, जहां पे हमें हमारा आंसर ढूंढना है, पोटेंशियल ढूंढना है, वो पॉइंट P, ए पी और बी पी को हमने ज्वाइन किया, P को हम लोग O से पास कराते हुए नीचे तक लेकर आए, यहाँ पर हम लोगों ने एक राइट ट्रायंगल बना दिया ए एम ओ, यहाँ पर भी एक राइट ट्रायंगल बनाया बी एन ओ, यहाँ पर दोनों एंगल को हम लोगों ने थीटा, स्टार्टिंग कहाँ से करी, तो हमें फी फाइंड करना है, हम लोगों ने पहले वी वन टूटा 1 by 4 by 1 upon 4 by epsilon 0 minus q upon p है, फिर v2 ढूंढा, फिर v is equal to v1 plus v2 किया, जहां तक पहुंचे वहां तक ठीक है, अब हमें चाहिए pa और pb की वैल्यू, pa और pb की वैल्यू के लिए पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया cos theta की वैल्यू से, ये वाला ट्रायंगल लिया cos theta की वैल्यू से हमने शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने बोला pa is almost equal to pm, ठीक, PM कितना है, तो OP plus OM, OP R, OM हमने वो cos theta वाले से लिया, ऐसे यहाँ पर लिया PB is almost equal to PN, PN कितना है, तो OP minus OM, R minus ON, ON हमने वो cos theta वाले से लिया, जब आंसर आ गया तो हम लोगों ने अपने इक्वेशन में पुट अप किया, सॉल्व किया, और 2aq को रिप्लेस किया बाय p, क्योंकि हमें इसको ढूंढना है इलेक्ट्रिक डायपोल ढूंढना है, तो p को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। इसके बाद अब हम लोग लेंगे केस वन, व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन एक्सियल लाइन, आप लोग बच गए इसमें, पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने दो डेरिवेशन अलग करे थे, एक एक्सियल लाइन का, एक इक्विटोरियल लाइन का, इसमें हमने क्या किया, जनरल एक आंसर निकाल लिया एट एनी पॉइंट वाला, अब हम दो केसेस ले लेंगे, एक हमारा एक्सियल लाइन वाला, एक हमारा इक्विटोरियल लाइन वाला, काम खत्म हो गया। कैसे लेना है वो लिखिए, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन सच दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस वन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एक्सियल लाइन के लिए हम लोग ले रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में v इज इक्वल टू p cos 0 डिग्री,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग यहां पे लेंगे p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 0 p अपॉन यहां पे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसी में लिखिए इफ a इज मच मच स्मॉलर देन r, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो कितना बचेगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर। केस टू हमारे पास है व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन इक्विटोरियल लाइन। सेकेंड केस व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन इक्विटोरियल लाइन सच दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्विटोरियल लाइन पर है 90 डिग्री लेके, यहां पर हो जाएगा कॉस 90, यहां पर भी कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 0, तो v का आंसर हमारे पास आ गया 0। इक्विटोरियल लाइन पे हमारा आंसर v इक्विटोरियल इज इक्वल टू 0, या तो आंसर एक्सियल लाइन पे आएगा या एट एनी पॉइंट पे आएगा, इक्विटोरियल लाइन 90 डिग्री इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। Full stop. The negative sign indicates that the direction of E is always in the direction of decrease of electric potential. Formula E is equal to minus dV upon dr. देखिए जहां पर भी जब भी ग्रेडियंट वर्ड आता है, हमेशा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर और नीचे हम लोग ले लें लेंथ, तो ये बन गया प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे ही अब हम क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल वी और ग्रेडियंट लेना है तो हमें उसको डिवाइड करना है बाय लेंथ, तो इट इज डीवी अपॉन डीआर। लेकिन हमने बोला ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। हम लोग जब भी किसी चीज को मूव करवाते हैं कहां से कहां पर करवाते हैं, जब भी कोई चीज मूव करेगी वो चीज मतलब कोई भी चीज, चाहे हम लोग गैसेस की बात करते आ रहे हो, तो हम लोगों ने बहुत पहले एक और पढ़ा डिफ्यूजन, तो गैसेस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमेशा हमने हाई से लो की तरफ बात करी। अगर हमें किसी चीज को वर्क भी करवाना है तो हम लोग कहाँ से कम मूव करेंगे, तो हाई से लो की तरफ। अगर हम प्रेशर के थ्रू बात करते हैं तो प्रेशर हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ऑब्जेक्ट को भेजता है, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल की भी बात आ रही है तो एक रीजन हायर है एक रीजन लोअर, तो वर्क हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू रीजन ऑफ लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने बोला इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम कहाँ पर, उसी जगह पर मूव करेगी जहाँ पर dv की वैल्यू कम होगी, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू रीजन ऑफ लो, तो e इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये नई बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बोला इट इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, क्या हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट।
चलिए आपको ये चीज मैंने ना, ये तो खैर टर्मिनोलॉजी यही रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर सकती इसे, लेकिन इसीलिए बड़े आप लोगों को समझाया कि F जब आप पढ़ते हो तो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ रहे हो, E क्या है, E इज F बाय Q, इसलिए आपने एक Q कम करा और E का फॉर्मूला आपके पास हो गया K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब V क्या है, तो हमने बोला V इज इक्वल टू E अपॉन R, यहां पर हम लोग ले रहे हैं E अपॉन R, लेकिन ये किसके टर्म्स में जा रहा है, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन में जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, n प्लस वन, तो माइनस टू ऊपर जाएगा, माइनस टू प्लस वन बिकम्स आर रेस टू माइनस वन, नीचे आएगा खाली क्या बचेगा R, तो इसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हटा मत देना कि हमने खाली वी बाय एल लिख कर आंसर दे दिया तो वो सही नहीं माना जाएगा, आप लोगों को बराबर लिख कर देना पड़ेगा कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग लिखे इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी थोड़ा सा थियोरी पार्ट है ये, आपको लिखना रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनी सरफेस विच हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी आपके पास में एक सरफेस है, इस सरफेस को हमने बोला इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मतलब इस पूरे सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज सेम। क्या फर्क पड़ता है इस सब में, फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको ये इतनी रामायण जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रेशर ये क्यों समझाया, इसीलिए समझाया कि काम कब होगा, काम तभी पॉसिबल है जब एक हायर पोजीशन पे हो और एक लोअर पोजीशन पे, मूवमेंट कहां से होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर, अगर ये दोनों एक ही पोजीशन पर आ जाए, वर्ड क्या आया इक्वी पोटेंशियल, अब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा है सेम, तो अब क्या हम कोई काम कर सकते हैं कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमने कोई काम किया, नहीं, वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, वर्क डन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो यहां पर हमारे पास कोई वर्क हो गई, ये आपका एक थ्योरी का पार्ट है, बाय चांस एग्जाम में कोई पूछता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो द सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप लोगों को नोट डाउन करने, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, फर्स्ट नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कल हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो, अब हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्विपोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो v माइनस वी कितना हो गया जीरो, तो w ए बी अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट The electric field is always at right angle to the equipotential surface. अगर हमारे पास में ये दो पॉइंट्स हैं A और दूसरा वाला हमारा पॉइंट B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पहुंच जाएगी, इट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर,
ए और बी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं नॉर्मल। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है परपेंडिकुलर। डेफिनेटली आपको cos 90 चाहिए और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी जीरो। हमारे एक तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारा आंसर बाउंडर के लिए जीरो आने वाला है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो इट मूव नॉर्मल, cos जीरो वैल्यू हम लोग पुटअप करते थे। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी हो गई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपके पास अपने आप cos 90 आ जाएगा और cos 90 की वैल्यू फिर से कैसी हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट थर्ड, द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ द वीक फील्ड। यहां पर आगे लिखिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr और dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन E। अब हमें पता है V तो कैसा है कांस्टेंट, हम ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल इज सेम, तो क्या पता चला कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। लिखिए dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। नेक्स्ट लाइन में विच प्रूव्स दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर लाइंस कैसी हो जाएंगी क्लोज, ये जो dr वाली वैल्यू है यह कम हो जाएगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पर हमारे पास जो सरफेस है वो अपने एक दूसरे के पास आ जाएगा एंड अपार्ट दूर हो जाएंगी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV अपॉन dr वेयर नेगेटिव पॉइंट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल। पर हमारे पास तो लोअर पोटेंशियल है ही नहीं, हमारे पास तो सेम पोटेंशियल है। वापस हमारे पास में आएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। वापस नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग दो अलग अलग सरफेस ले रहे हैं, एक जो है उसका अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा है उसका अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर हमने बोला कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों अलग अलग थोड़ी हुए, दोनों एक जैसे हो जाए, तो हमें बताना है कि ये अलग है ये वाला अलग है, तो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो अलग हैं तो वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेक्स्ट टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट लीजिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूनिफॉर्म है, मतलब E इज कांस्टेंट, फॉर्मूला बोलता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, E कांस्टेंट है तो dV बाय dr की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। इस केस में अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो ऐसे तीन केस अलग अलग लीजिए V1, V2,
V3 और इन सब में से लाइन एक जैसी पास कराते हुए बाहर की तरफ निकाली, क्योंकि हमें बताना है कि E इज कॉन्स्टेंट, E सेम है, तो हमारे पास डायग्राम ये बता रहा है। केस नंबर 2, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सेकेंड, फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉइंट चार्ज लीजिए, उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे अलग अलग रीजन्स बना दीजिए, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन। अगर हम बीच में पॉजिटिव लिख रहे हैं तो हमें बताना ही यही है, यहाँ से लाइन्स जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, सारी लाइन्स आप बाहर की तरफ निकालते हुए दिखा दीजिए। ऐसा हमने पहले भी किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये पोटेंशियल के लिए चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल के लिए। लाइन एक जैसी बाहर जा रही है, हमें यहाँ पे लिखना है दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। स्टेटमेंट डालिए, हियर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिक्यूलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड। थर्ड में फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, उस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में हमारे पास दो पार्ट रहेंगे ए और बी, ए में सिमिलर चार्जेस, ये डायग्राम हमने पहले बना लिया है इसलिए इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, अपन ने पहले भी बनाया है प्लस वाला, दूसरा वाला भी प्लस बनाया था अपन ने कि हमें यहाँ से लाइन्स जो है वो बाहर निकालते हुए दिखाना है। बस ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंसिंग है ये वाली, इट शुड रिमेन सेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपसे गलती ना हो जाए कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ करके दे दें, ऐसा ना हो जाए। बाहर की तरफ दिखाइए और डिस्टेंस इन लोगों का बराबर से लीजिए, ठीक है। यहां पर हमने 4 ड्रॉ की, यहां पर भी बराबर 4 ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, और अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो हमें क्या दिखाना है कि प्लस में से बाहर निकल के नेगेटिव वाले की तरफ एंटर करते हुए दिखानी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से इधर की तरफ, यहां से बाहर, यहां से अंदर, ये इस तरीके से बराबर शो करिए पूरा, यहां से ऐसा बता चुके हैं हम पहले, कर चुके हैं इसलिए इतना इशू नहीं है, बस इसमें डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं ये लोग भी और इक्वल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाय फॉर नाउ।